नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। पूरे देश में लॉकडाउन लगातार जारी है। कोरोना वायरस से दिन पर दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी सूचना रखने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। देखिए मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में चल रहे लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में उल्लंघन के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इस संवेदनशील मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी होते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है और सड़कों पर उतरते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी एक तस्वीर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घनी आबादी चक्कर की मिलक से सामने आई है। सिविल लाइन पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस एक ड्रोन कैमरे की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करने में लगी हुई है जो बिना काम बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस ने इस घनी बस्ती को चिन्हित करते हुए ऐसे स्थान भी चेक किए जहां पर लोग भीड़ जुटाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। ये पूरी जांच सीओ सिविल लाइन दीपक गुप्ता की अगुवाई में चलाई गई है।